हाई गाई वेरी गुड इवनिंग टू ऑफ यार आफ्टरनून तो ये आफ्टरनून चल रहा है माई बैड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू यस गाईज माई गॉड लाइक द वीडियो एवरी वन आई कैन सी हंड्रेड लाइक्स बिफोर द स्टार्ट ऑफ द क्लास वेरी गुड एक बार मैं पोस्ट कर दूंगा इज वी आटिंग अ न्यू चैप्टर दैट इज़ बायोजिक क्लासिफिकेशन जल्दी से आ जाओ आल वी वेटिंग फॉर यू न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है क्लास इलेवेंथ के लिए आ जाओ यस हाय गाइस कैसे चल रही जिंदगी यस लॉकडाउन में क्या ही होगा सर आई एम डूइंग ग्रेट बेटा मैंने सोचा था कि ना छुट्टी ले लूं बट मैं छुट्टी लेके करूँगा क्या यस <laughs> yes. आज मेरे मन में आ रही थी कि छुट्टी ले लेना चाहिए मेरी बहुत सारी छुट्टियाँ पड़ी हुई हैं फिर देन आई सडनली रियलाइज छुट्टी लेके क्या होगा <laughs> तो हमने कहा ठीक है बर्बाद चल रही है बच्चे कह रहे हैं बर्बाद ही चल रही है घर में चल रही है जिंदगी बस ऐसा लग रहा है घर में कैद हो चुके हैं ये करोना की बच्ची पता नहीं कहाँ से आ गई है पता नहीं कौन से कंट्री से आई है पता नहीं कहाँ से आके बताओ बहुत परेशान है हम करोना से एनी anyway, परेशानी के बीच में देखो परेशानी होती रहती है है ना हम है कर्मवीर बच्चे ठीक है हम अपना कर्म करेंगे हमारा कर्म क्या है पढ़ना सॉरी पढ़ाना तुम्हारा कर्म है पढ़ना ठीक है तो हम सब है ठीक है करम वीर. करम वीर, NCRDK, 11, 10, के के एंड बच्चे और टीचर अपना कर्म पूरा करते रहते हैं ठीक है हम सब करमवीर अपने आप से जब से तुम असलो तुम क्या हो बोला हम करमवीर बोलेंगे क्यों बोलो हम अपना कर्म करते हैं दुनिया कुछ भी हो रहा है हम पढ़ाई करते हैं है ना तो गाइस आज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन नया चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं ठीक है और यस एज यूजल हम नीट के क्वेश्चन भी करेंगे है ना इन फॉर्म ऑफ मेंटी और हमारे नीचे जो लिंक है उसमें यस yes, जो नीचे लिंक है उस पर डीपीपी भी है जिसको एक्स्ट्रा सवाल करने की इच्छा हो जिसकी जिंदगी में मतलब और सवाल करने की इच्छा हो जो तपस्या तो कर रहा है बच्चा है ना पढ़ाई की वो कर सकता है ठीक है बाकी बच्चे जिनको कोई लेना देना नहीं है किसी काम से कुछ फर्क नहीं पड़ता वो ना ही करे कोई दिक्कत नहीं है जो क्लास कर ले वही काफी है ठीक है ओके चलो इसी बात पे इसी शुभ शुभ <laughs> इसी अच्छी शुरुआत के साथ हम आगे चलते हैं है ना तो हमने लास्ट क्लास में मेगा मेंटी करा था क्या करा था मेगा मेंटी बहुत बड़ा मेंटी करा था हमने लास्ट क्लास में और आज हम करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ठीक है हम करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आगे चलते हैं ठीक है तो एनसीआर टी इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ का चैनल सब्सक्राइब कर लो भैया है ना ये बच्चे रोने वाले बच्चे क्यों आ रहे हैं यहाँ पे तेजस शर्मा सर यू रिमेम्बर मी आई एम तेजस शर्मा आपने मेरे को तीन तीन चैप्टर पढ़ने को बोला था फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स इंस्टाग्राम के लाइव में बट नॉट एबल टू स्टडी कैसे करूँ प्लीज हेल्प मत करो बेटा छोड़ दो कुछ नहीं रखा पढ़ाई वढ़ाई में कुछ नहीं रखा तेजस शर्मा छोड़ो कोई बात नहीं तुम तुम रिलैक्स करो कुछ नहीं रखा पढ़ाई वढ़ाई में ठीक है एक एक चैप्टर करो चलो तीन चैप्टर नहीं हो रहे एक एक चैप्टर करो ठीक है तेजस शर्मा कहाँ हो तेजस शर्मा कहाँ गया बच्चा भाग गया तेजस शर्मा कहाँ गया अरे <laughs> एक एक चैप्टर कर ले बेटा तेजस शर्मा कोई बात नहीं बेटा एक एक चैप्टर जितना हो सके उतना करो ठीक है टेंशन नहीं लेने का कहाँ गए हमारे बच्चे तेजस शर्मा कहाँ चले गए वनक्क बेटा मुर्गन कहाँ गए तेजस शर्मा पकड़ो भाई कहाँ गया बच्चा हमारा भैया हम पहले तेजस शर्मा की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे फिर आगे पढ़ेंगे ठीक है बच्चों बहुत दुखी है हमारा बच्चा कहां गया अरे कहाँ चले गए बच्चों दिखे ना बच्चा अगर वो बच्चा दिखे तो बताना हमें दिखे, हम उनसे बात करेंगे उसको समझाएंगे कि पढ़ा लिखा में कुछ नहीं रखा एक चैप्टर करो बेटा हाँ सर कितने तारीख तक जे... <laughs> जे... <laughs> <का> करू <laughs> मेरे बच्चे तेजस तुम पहले डिसाइड करो कि तुम्हें मेडिकल करनी है कि इंजीनियरिंग करनी है ठीक है फिर उसके बाद करना है ठीक है ठीक है अब परेशान नहीं होती तब परेशान हो तो पढ़ोगे कब ठीक है ऐसा करो तुम तो फिजिक्स केमिस्ट्री से शुरुआत करो फिजिक्स केमिस्ट्री तो जेई में भी आती है उसमें भी आते बेसिक्स पढ़ लो एनसीआर से हमारे एक सर है निखिल सर ठीक है फिजिक्स पढ़ाते हैं इसी चैनल पे वो कर लो बेसिक कर लो बेसिक बेसिक्स कर लो फिजिक्स साक्षी मैम केमिस्ट्री पढ़ाते हैं बेसिक 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 केमिस्ट्री कर कर लो लो बायोलॉजी करनी करनी है है मेरे साथ मैथ्स वर्षा मैम बस ये दिन की चार क्लास होती है चार घंटे ठीक है ये चार घंटे पढ़ो और ना आ, चार घंटे पढ़ो बस ठीक है यस यार धीरे धीरे शुरू करो ऐसे एकदम तोड़ तोड़फोड़ नहीं हो जाएंगे आराम से धीरे धीरे करेंगे ठीक है तेजस शर्मा चलो डरते नहीं है बेटा क्या है? नहीं, ये, ये ठीक है डर के आगे जीत है करमवीर बनो करमवीर कहा गया जैसे कि मैंने बताया अभी है ना फिजिक्स में बहुत ही अच्छी तरह से हमारे निखिल सर फिजिक्स पढ़ाते हैं है, बायो पढ़ाता हूँ साक्षी मैम केमिस्ट्री पढ़ाती हैं वर्षा मैम मैथ्स पढ़ाती है, है ना तो वी आर गोइंग टू डू कंप्लीट कंप्लीट क्लास इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ ऑफ एनसीआर ओवर हियर दो वॉन्ट टू डू बेसिक्स मतलब अपने बेस स्ट्रॉग बनाना चाहते हो है ना वॉच दीजियोजली हेल्प यू ट्रस्ट मी ऑन दिस हा पूरा का पूरा इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ कर रहे हैं मेरी क्लास इलेवेंथ होती है मंडे आज थर्सडे तो क्लास इलेवंथ होती है ट्यूजडे और फ्राइडे को हम क्लास ट्वेल्थ करते हैं ठीक है और वेनसडे को और सैटरडे को हम प्लानिंग करते हैं <laughs> को हम प्लानिंग करते हैं है बच्चा के लिए प्लानिंग किस चीज की प्लानिंग बेटा प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है प्लानिंग मतलब स्ट्रैटेजी सेशंस होती है ठीक है जैसे पारी हो रही होती है यहाँ पे हमारी प्लानिंग हो रही होती है ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बहुत मजा आता है प्लानिंग में ठीक है तो ऐसा है तो चलो हाँ भैया सब्सक्राइबर बढ़ाओ हमारे एक लाख सब्सक्राइबर करो सब जल्दी से लाइक दीडियो एंड सब्सक्राइब टू दैनल एवरी ठीक है एवरी वन यार 200 बच्चे देख रहे हो और 147 लाइक्स है एक तो कम हो गया मेरे बोलते कम कर दिया किसी बच्चे ने भैया लाइक वन फोर्टी सेवन थे किसी बच्चे ने दोबारा लाइक कर दिया तो वो लाइक हट गया समझ करो ध्यान से देखो कि लाइक हुआ है कि नहीं दो सो लाइक होंगे फिर आप आगे चलेंगे ठीक है यस गाइस वेदांत देता है इंप्रूवमेंट प्रॉमिस मतलब जैसे ही आप वेदांतु में ना के ना लॉन्ग टर्म कोर्सेज चलते हैं वेदांतों के लॉन्ग टर्म कोर्सेज चलते हैं ठीक है मान लो ये बच्चा है ये बच्चा है ठीक है ये बच्चा है ये बच्चा, बच्चा ज्वाइन करा वेदांतु इस बच्चे ने वेदांतु ज्वाइन करा ठीक है जैसे ही इस बच्चे ने वेदांत ज्वाइन करा इसका हम एक टेस्ट ले लेते हैं इसका हम एक टेस्ट ले लेते हैं टेस्ट वन मान लो ठीक है इस बच्चे का एक टेस्ट ले लेते हैं इस बच्चे की पूरी क्लास खत्म हो गई जब ये बच्चा एक साल हो गया फिर एक साल के बाद हम फिर से इसका टेस्ट लेते हैं टेस्ट नंबर टू थी। ठीक है और देखते हैं अगर इस बच्चे का टेस्ट नंबर वन से टेस्ट नंबर टू में इंप्रूवमेंट नहीं हुआ इस बच्चे का अगर टेस्ट टेस्ट नंबर नंबर से टू में इंप्रूवमेंट नहीं हुआ इस बच्चे को पूरी की पूरी फीस हम वापस कर देते हैं इस बच्चे को पूरी की पूरी फीस हम वापस इज वेदांत टू इंप्रूवमेंट प्रोमिस ठीक है इसमें मुझे बहुत सारे जोक्स आ रहे हैं बट मैं बताऊंगा नहीं बाद में बताएंगे जोक्स ठीक है तो ये पूरी की पूरी फीस वापस हो जाती है ठीक है बट इसमें कंडीशन क्या है इसमें कंडीशन क्या है कंडीशन है इस बच्चे ने सेवेंटी फाइव परसेंटेज क्लासेस कर दी होनी चाहिए और इस बच्चे को सेवेंटी फाइव परसेंटेज ठीक है टेस्ट अटेम्प्ट करने चाहिए अब अब कुछ बच्चों के मन में ख्याल आया होगा जो कि मेरे मन में भी आया बता देता हूं ठीक है मान लो ये बच्चा निकला शातिर बच्चा कौन सा बच्चा शातिर ये बच्चा निकला शातिर ठीक है कैसा शातिर इसने पहला टेस्ट दिया बहुत अच्छी तरीके से और एंड वाला टेस्ट अच्छा नहीं दिया।, है? <laughs> दिया लास्ट वाला टेस्ट अच्छे से नहीं दिया और ये कहता है कि अब मुझे फीस वापस करो हमने तो पूरी क्लासेस भी करी है हमने टेस्ट भी दिया है हमारी फीस वापस करो किसी के मन में ये सवाल आया कि ऐसा कर सकता है कोई यस फ्रॉड बच्चे किसी को लगा ऐसा कोई हो सकता है ऐसा कुछ हो सकता है किसी को लगा कि बस मुझे ही लगा ऐसा किसी को लगा ऐसा कि ऐसा हो सकता है कि बस मुझे लगा है ना तो बेटा देखो एवरीथिंग थिंग वर्क ऑन ट्रस्ट ठीक है दुनिया में ना सब चीजें ट्रस्ट से चलती है ठीक है वी ट्रस्ट यू पीपल डेफिनेटली एक दो बच्चे ऐसे निकलेंगे शातिर बच्चे बट मेजोरिटी जो बच्चे होते हैं वी ट्रस्ट यू पीपल है ना हम ट्रस्ट करते हैं हमें पता होता है कि लोग ना आ, मतलब ऐसी <laughs> मतलब फ्रॉड नहीं करते वी ट्रस्ट यू पीपल है ना तो एवरीथिंग वर्क्स ऑन ट्रस्ट तो विच इज वेरी मच डेफिसिट आज के जमाने में ट्रस्ट डेफिसिट इतना ज्यादा हो गया ठीक है ट्रस्ट डेफिसिट हो गया मतलब कोई ट्रस्ट नहीं कर, अपने पड़ोसी को ट्रस्ट नहीं करते हम है ना कभी तुम्हें क्या ट्रस्ट करें सर है फिर मैं बोलूंगा हम करमवीर है बेटा हमें ट्रस्ट करो ठीक है बट कहने का मतलब ये है गाइस तो वेदांतु हैज सो मच प्रॉमिस वेदांतु को अपने प्रोडक्ट पे इतना भरोसा है नो no डाउट ऐसे कुछ बच्चे निकलेंगे तो कोई बात नहीं बट हमारा पर्पज क्या है टू मेक एजुकेशन अवेलेबल टू यू पीपल एट अफोर्डेबल प्राइसिस विच इज देर इट इज अफोर्डेबल गाइज ठीक है द कॉस्ट हियर एट वेदांतु इज थर्टी थाउजेंड प्लस थर्टी फाइव थाउजेंड फॉर नीट

ऐसा नहीं है वेदांत ने एक सिस्टम ही बना दिया है जिसमें योर डाउट विल बी सॉल्व नोट्स बच्चे का क्या होता है आधा टाइम नोट्स बनाने में नोट्स नहीं मिलते है ना तो सिस्टम ऐसा वेदांत में आप क्लास में बैठे हो ध्यान दो क्लास के बाद क्लिक करो सारा का सारा डाउनलोड क्लास में कोई चीज समझ नहीं आई थी वीडियो का रिप्ले देखो मतलब मल्टीपल टाइम्स आप देखो पढ़ो टीचर से पढ़ो टीचर की रिकॉर्डिंग मिल जाती है आप मल्टीपल टाइम्स पढ़ो लाइव भी पढ़ो मल्टीपल टाइम्स भी पढ़ो ठीक है ये

रजिस्टर करना चाहता है कंटेंट मतलब नीट का कंटेंट एनसीआर का कंटेंट प्रीवियस क्वेश्चन सारा मिला के तत्वा बनाई गई है ठीक है इस बुक के बाद आपको और कोई बुक नहीं चाहिए इस बुक में वीडियो सोलूशन भी है क्यू आर कोड है उसके वीडियो सोल्यूशन है उसको देख के आप यू नो वीडियो समझ सकते हो देन वन ईयर का प्राइस इज ऑल्सो वेरी मच लेस अगर आप वन ईयर का कोर्स लेते हो ना इसका प्राइस बहुत कम होता है एंड वन ईयर का कोर्स इसका मतलब ये नहीं कि 30, नहीं कि यू हैव टू पे द एंटायर एट वन ईयर के कोर्स में यू गेट ई एम आई ऑप्शन ई एम आई ऑप्शन मतलब एवरी मंथ यू एंड पेइंग मंथली ट्यूशन फीस की तरह ही होता है समझ रहे हो वो बहुत ही कम होती है तो दैट इज द बेस्ट थिंग ठीक है यस ये सब चीजें देर इज लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स देर इज लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स इसके बारे में डिटेल में मैं टूवर्ड्स द एंड बताऊंगा वेदांतों के प्रो कोर्स के बारे में मैं एंड में बताऊंगा बाकी There's a link in the description box. वहां पे जाके आप enroll कर सकते हो Thousands of students have enrolled and in the time of COVID, I would say you should highly like I highly recommend it. मेरे family में भी बहुत लोगों ने join करा हुआ है ठीक है Trust me on this. चलो आगे चलते हैं Yes, ये last class का homework था The alveolar epithelium of the lung is made up of. Yes. स्क्वामस एपिथिलियम होता है बेटा एलवेल ऑफ द लंग्स में क्योंकि वहां पे एक्सचेंज हो रहा होता है स्क्वामस एपिथिलियम इज फ्लैट एपिथिलियम ठीक है वेरी गुड तो है भावलीन जी भावलीन ने आंसर करा था इमोशन इमोशन फुल फुल ऑफ इमोशन भावलीन इज ओके बेटा भावलीन ने कहा कि सर प्लीज इंक्लूड माय नेम बेटा भावलीन आपका नाम इंक्लूड कर दिया तनिषा गुप्ता थैंक यू बेटा तनिष्का गुप्ता देन वैष्णवी सोना वारे ओ गोल्ड वाले यस वैष्णवी थैंक यू बेटा देन सेजल नाम ग्रेट बेटा स्नेजल आगे चलते निर्मय शेट्टी गाइस आज भी मेंटी मेंटी होगा देयर विल बी अ एवरीडे है ना लास्ट क्लास में निर्मय शेट्टी वाज द विनर ऑफ द मेंटी आज देखते हैं कौन मेंटी में टॉप करता है है ना चलो वेरी गुड तो आज करेंगे गाइस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ठीक है इसमें हम देखेंगे डिफरेंट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन और फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन ठीक है मेनली अच्छा मतलब सर मतलब बताओ क्या है ये बेटा देखो बेटा चैप्टर वन इज लिविंग वर्ल्ड उसमें कुछ है नहीं चैप्टर वन इज लिविंग वर्ल्ड ठीक है उसमें कुछ भी नहीं है उसमें तो दस बीस मिनट का भी चैप्टर नहीं है वो है ना तो उसके बारे में कभी बाद में बात कर लेंगे पहले ये इंपॉर्टेंट है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ठीक है ना बेटा चलो नाउ टॉकिंग अबाउट या बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ठीक है बेटा नाउ क्लासिफिकेशन क्या होता है बेटा देखो इट इज डिवाइडिंग ऑर्गैनिज्म अवेलेबल इन द सराउंडिंग इन टू डिफरेंट कैटेगरीज जैसे कि अभी हमारी क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं ठीक है सर अभी एन सी आर टी पढ़ के लूँ एक हफ्ते तक एंड बाद में जेई देखूंगा देखूँगा एंड आपसे कैसे कॉन्टैक्ट करूँ बेटा मेरे को ईमेल कर देना ठीक है सेशन के एंड में अपना ईमेल आईडी दूंगा दूँगा मेरे बच्चे तेजस शर्मा ठीक है तो आप उसमें मेल कर देना डरना नहीं है रोने शक्ल वाली नहीं बनानी एकदम एकदम पढ़ो ठीक है चलो बेटा डीबी मिलेगी आप क्लास के बाद चेक इस दे, तो क्लासिफिकेशन क्या होता है डिवाइडिंग मतलब ऑर्गेनिजम्स है ना डिफरेंट डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं उनको डिवाइड करना तो पहले अरिस्तोतल अंकल थे कौन से अंकल अरिस्तोतल ठीक है तो ओके गाइस हम जनरली क्या करते हैं हम, जब भी कोई स्टार्ट करते हैं, हम पहले के देख लेते हैं कि क्या क्या पढ़ना चाहिए तो गाइज इस पूरे चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्या है ये पूछ रहा है कि क्लासिफिकेशन सिस्टम में क्या क्या चेंजेस हुआ है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मतलब ऑफ टाइम क्लासिफिकेशन सिस्टम में क्या क्या चेंजेस हैं पहले गाइड बताता हूं

क्वेश्चन तो में पूछ रहे हैं कि कैसे इवॉल्व हुआ उसका एवोल्यूशन सिस्टम नए भाई बहन निकल आए तो दैट केन ऑल्सो है फ्यूचर में इट कैन बी सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन सेवन किंगडम क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंगली है ना आप हम फाइव किंगडम हम पढ़ रहे हैं, पता चला, आपके जो, आपके जो पोते -पोती होंगे वो सेवन किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हो उनके पोते पोती किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हो, तो ऐसा हो सकता है ठीक है? High possibility. इन्होंने पूछा, इकोनॉमिक बताओ, और बैक्टीरिया का हम देखेंगे नेचर ऑफ़ सेल वॉल इन ये भी देखेंगे पूरे Guys, ये याद कर लू मतलब देखेंगे हम टेक्स्ट बुक क्वेश्चन हम ये क्यों देख रहे हैं हम ये इसलिए देख रहे हैं क्योंकि जो एक्सरसाइज क्वेश्चन होता है ये इंपॉर्टेंट होता है ये लास्ट में हम सॉल्व भी करते हैं हम क्लास चैप्टर के स्टार्टिंग में भी देखते हैं और चैप्टर के एंडिंग में भी देखते हैं ठीक है हाउ आर वायरॉइड डिफरेंट फ्रॉम वायरस वायरॉइड वायरस से डिफरेंट कैसे होते हैं बेटा वायरस क्या होता है वायरस होता है प्रोटीन कोट प्लस डीएनए और एर एन आर मतलब प्रोटीन कोट कवरिंग ए और एन वायरोइड इससे भी ऊपर है वायरॉइड क्या होता है वायरॉइड इज जस्ट ए वायरोइड इज जस्ट एन डीएनए एन एनआरएनए मतलब समझ रहे हो देखो वायरस क्या होता है जब यह वायरस ठीक है वायरस मतलब प्रोटीन कोट भी है और डीएनए आरएनए भी है वायरोइड क्या होता है बस डीएनए आरएनए समझ रहे हो मतलब ऐसे ही <laughs> नंगू आरएनए मतलब समझ रहे हो आई होप आर अंडरस्टैंडिंग प्रोटीन कोट नहीं है इसके पास ठीक है वायरस का अगर कोट उतार दो तो वो डीएनए आरएनए बचता है तो दैट इज वायरॉइड है ना फिर ये बोल रहे हैं फोर मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोआ प्रोटोजोआ के चार ग्रुप्स बताओ मेजर ग्रुप्स ठीक है इसके बारे में देखेंगे यस गाइस ग्रेट है ना फिर प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक कैन यू थिंक ऑफ सम प्लांट्स दैट आर पार्शियली हेट्रोट्रॉफिक इनके बारे में भी देखेंगे व्हाट डू द टर्म फाइकोबायोंट एंड माइकोबायोंट मीन फाइकोबायोंट और माइकोबायोंट क्या है है ना बेटा ये लाइखन का पार्ट होते हैं लाइखन में क्या हो था? था? Lichen में होता है बेटा लाइखन में एल्गी और फंगई होता है Lycan का एलगे वाला कॉम्पोनेट इज अकोबायट इज है ये भी देखेंगे of 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 मतलब, के जितने टाइप्स है उनको मोड ऑफ न्यूट्रिशन और मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बेसिस में डिवाइड करके बताना कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ यूग्लेनॉइड यूग्लेनॉइड क्या है इनके फीचर्स क्या होते हैं है ना, नाम डरावने लगने, लगने पर बहुत ही ईजी में बता रहा हूं ठीक है क्या बता रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा है ना बेटा डोंट वरी अबाउट इट मैं बता रहा हूं आपको ठीक है ये सारी चीजें जब हम चैप्टर खत्म कर लेंगे ना आप यू 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 करके आंसर करोगे आप ये इतना ईजी क्यों था जिंदगी में मतलब तुम्हारी जिंदगी में बहुत ईजी हो जाएगा ठीक है ऑर्गेनाइज डिस्कशन इन योर क्लास ऑन द टॉपिक और वायरसेस लिविंग और नॉन लिविंग ठीक है हम यहां पे डिस्कस कर लेंगे आर वायरसेस लिविंग और नॉन लिविंग ठीक है चलो तो ये सब हमें पढ़ना है ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं 12 क्वेश्चन ये पढ़ेंगे हम ठीक है वेरी गुड ठीक है चलो अब अब गाइस लेट अस अंडरस्टैंड है ना हम क्लासिफिकेशन क्या है क्लासिफिकेशन इज अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म जितने भी वर्ल्ड में ऑर्गेनिजम हैं उनको अरेंज करना है बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज डिसिमिलैरिटीज है ना फॉर एग्जांपल इन अ स्कूल आई कैन डिवाइड स्टूडेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स ब्रॉड क्लास प्लांट और एनिमल मान लो है ना प्लांट प्लांट बॉयज प्लांट है एनिमल्स गर्ल्स यार ये तो ज्यादा तुम लोग मेरे को बोलोगे कि सर ने चलो एनिमल्स बॉयज है प्लांट <laughs> गर्ल्स है बट ये जेंडर वाला हो जाएगा ठीक है जेंडर बेसिस पे नहीं करते हम जेंडर डिस्क्रिप्शन नहीं करेंगे क्लास में बट समझ, समझ लो समझ लो ना स्कूल में आई कैन डिवाइड स्टूडेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज आई कैन डिवाइड स्टूडेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर आई साइड की मतलब जो चश्मीश बच्चे हैं चश्मा पहना है जिन्होंने चश्मा नहीं पहना है है ना जिनके लंबे बाल हैं जिनके लंबे बाल नहीं है तो आई कैन डिवाइड ऑर्गेनिजम बेस्ड ऑन एनीथिंग है ना तो ऐसा था बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज

आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन मतलब है ना बेस्ड ऑन वन और टू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर मॉर्फोलॉजी मतलब बाहर से दिखने वाले कैरेक्टर जैसे कि कि मैंने बताया था ना कि किसकी हाइट कितनी है एक या दो कैरेक्टर मतलब सारे के सारे के मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स नहीं मतलब एक जैसे कि मैंने हाइट एक क्राइटेरिया चूज कर लिया हाइट और जेंडर है ना तो अच्छा आपको एक पता है जेंडर और सेक्स में बहुत फर्क होता है सेक्स इज अ बायोलॉजिकल एट्रीब्यूट सेक्स इज मतलब कि आप बॉय हो या फीमेल हो

समझे बूझे चलो आगे चलते हैं इसी बात में है बेटा तो जब हम ऐसे मतलब आर्टिफिशियली नॉट डीपली आर्टिफिशियली डिवाइड करते दैट इज आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन नेचुरल क्लासिफिकेशन इज गाइस कंप्लीट मॉर्फोलॉजी को हम कंसीडर करते हैं कि मतलब स्टेम कैसा है रूट कैसा है लीव्स कैसे हैं मतलब बहुत सारे फीचर्स के बेसिस पे हम ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करते हैं फिर तीसरा आता है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन फाइलोजेनेटिक मतलब बेटा जब भी देखो फाइलोजेनी मतलब होता है एवोल्यूशन फाइलोजेनी होता है एवोल्यूशन जब हम फिजिकल एट्रीब्यूट्स और एवोल्यूशन के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को अरेंज करते हैं दैट इज नेचुरल फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन समझे क्या है पहले बेस्ड ऑन वन और टू कैटेगरी दैट इज आर्टिफिशियल फिर कंप्लीट मॉर्फोलॉजी ओनली थर्ड थिंग इज मॉर्फोलॉजी प्लस प्लस Yes, guys, morphology plus, yes guys, the evolutionary relationship. Okay, very good. जैसे मैंने बोला सबसे पहले अंकल थे अरिश तो अंकल ठीक है अरिस <laughs> अरिस्तोतले अंकल इन्होंने क्या करा ठीक है इन्होंने कहा भैया दुनिया में दो चीजें प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम ठीक है प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम इन्होंने कहा प्लांट किंगडम को इन्होंने कहा कि भैया हर्ब श्रब और ट्री हर्ब मतलब छोटे छोटे श्रब मतलब मीडियम साइज एंड ट्रीज मतलब बड़े ठीक है तो हर्ब <laughs> मतलब छोटे छोटे प्लांट श्रब मतलब थोड़े बड़े प्लांट ट्री मतलब बहुत बड़े बड़े ट्रीज ठीक है तो इन्होंने तीन ये कहा और इन्होंने कहा एनिमल्स आर ऑफ टू टाइप्स ऐसे एनिमल जिनका रेड ब्लड है और ऐसे एनिमल जिनका रेड ब्लड नहीं है फॉर एग्जाम्पल अर्थवर्म कॉकरोच इन सबका रेड ब्लड नहीं है बहुत ही बेसिक मतलब बेसिक कैरेक्टर मतलब आर्टिफिशियल था ये तो है ना बेटा आर्ट मतलब एक दो कैरेक्टर के बेसिस पे तोतल अंकल ने का यही होगा हमने जो बोला वही सत्य है ठीक है ये गाइस बहुत ही पहले जमाने की बात है है ना ये अंकल काफी पहले हुआ करते थे अभी नहीं है ये ठीक है तो सब सब, सब फिर मॉर्फोलॉजी बेटा फिजिकल एट्रीब्यूट फिजिकल जो आप देख सकते हो जैसे कि मेरी एक नाक है दो कान है ये आप दे, देख सकते हो ना मेरी एक पूछ भी है वो आप देख नहीं सकते तो, तो वो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर नहीं है मॉर्फोलॉजी समथिंग विच यू कैन सी विदेड आईस है ना बच्चा कह रहा स्क्रीन ब्राइटनेस हाँ है नाउ yes. so hmm. फिर आए हमारे लीनियस अंकल है ना कौन से कैरोलस लीनियस कैरोलस लीनियस अंकल आए है. है ना

यस yes, और जो कि अपना खाना खुद बनाता है विच कैन मेक इट्स ओन फूड एनिमल किंगडम जिसमें सेल वॉल नहीं है एंड विच आर डिपेंडेंट ऑन द अदर ऑर्गेनिक ठीक है ठीक है बट गाइज ये जो लीनियस अंकल का जो वो था क्या कहते हैं क्लासिफिकेशन सिस्टम ये कंप्लीट नहीं था क्यों हमें बाद में पता चला कि भैया यू कैरियोटिक और प्रो कैरियोटिक सेल्स अलग अलग होते हैं वॉट कैरियोटिक सेल विच हैजेल डेवलप्ड न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनस प्रो कैरियोटिक सेल कौन से हैं विच डॉट है वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनस है ना उनका न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड नहीं है तो ये बेसिस ये इग्नोर कर दिया यूनिसलर और मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म के बीच में भी डिफरेंशिएट नहीं कर आपको पता है यूनिसेलर प्लांट होते हैं यूनिसेलर एनिमल होते हैं अमीबा क्या है यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है. है ना यूनिसलर यू कैरियोटिक है प्लांट में क्लेमाडोमोनास क्या है यूनिसेलुलर सेल है जिसमें क्लोरोफिल होता है जो फोटोसिंथेसिस करता है क्लोरेला क्या है एक सेल है जिसके अंदर क्लोरोफिल है और वो फोटोसिंथेसिस करता है समझ रहे हो कितने बढ़िया चीज है क्लोरेला या फिर क्लेमाडोमोनास दोनों क्या है एक सेल है जिसके पास यस क्या है क्लोरोफिल है और वो क्या करते हैं फोटोसिंथेसिस करते हैं है, है ना बेटा यस फोटोसिंथेटिक ग्रीन एल्गी एंड नॉन फोटोसिंथेटिक एल्गी वेयर टुगेदर देखो फंगाई का भी सेल वॉल होता है प्लांट का भी सेल वॉल होता है फंगाई सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन होता है प्लांट का ऑटोट्रॉफिक दोनों को लीनियस अंकल ने प्लांट किंगडम में ही डाल दिया है ना तो फिर आए हमारे हीरो गेम के हीरो हमारे हीरो थे विट्टेकर अंकल विट्टेकर अंकल बोले ये सब बकवास है हम बताएंगे ठीक है फिर इसके बाद मेरा थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन आया आफ्टर टू किंगेल अंकल ने बोला, फिर लीनियस अंकल आए, अब आगे, अंकल. कौन से अंकल? अर्न्स हिकल. अर्न्स हिकल ने एक नया कहा हम तीन किंगडम बनाएंगे लीनियस तुम दो किंगडम बनाया हम तीन किंगडम बनाएंगे कौन से तीन किंगडम प्रोटिस्टा एनिमेलिया एंड प्लांट किंगडम है ना इन्होंने प्रोटिस्टा में क्या डाला इन्होंने प्रोटिस्टा में वो डाला जिसमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था मतलब यूनिसेलुलर जिनमें टिश्यू नहीं था Ernst, अंकल ने क्या कहा इन्होंने कहा इन्होंने कि भैया जिसमें टिश्यू नहीं है है जो सेल सेल हैं, वो प्रोटेस्टा किंगडम में आ गए ठीक है अब देखिए मेरा देखो ध्यान से देखना ठीक है एनिमल किंगडम में सेल वॉल और हेड्रोट्रॉफिक प्लांट किंगडम में सेल वॉल और हेट्रोट्रॉफिक सेम लीनियस अंकल का कॉपी कर दिया इन्होंने लीनेसंग को कॉपी कर लिया बस एक, एक एक्स्ट्रा प्रोटेस्टा किंगडम डाल दिया बट स्टिल इसमें क्या दिक्कत थी इसमें भी इन्होंने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में डिफरेंशिएट नहीं करा है ना इसमें भी इन्होंने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में डिफरेंशिएट नहीं करा और नीचे कुछ लिखा हुआ है जो मुझे दिख नहीं रहा है यस <laughs> एना yes. चलो आज चलते हैं इस पे देन देन आई हमारी मूवी के हीरो

किंगडम प्रोटेस्टा किंगडम फंगाई किंगडम प्लांट और किंगडम एनिमल ई बोले पांच किंगडम है भैया हम बता रहे हैं यही है ठीक है इन्होंने ये बताया 1969 में तो तब से ये चल रहा है ठीक है इन्होंने क्या क्या चीजें कंसीडर करी बेटा पहली चीज इन्होंने कंसीडर की सेल स्ट्रक्चर कि सेल कैसा है है ना सेल का स्ट्रक्चर कैसा है सेल प्रोकैरियोटिक सेल है यूकैरियोटिक सेल है कैसा है देन इन्होंने देखा मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है क्या सेल ऑटोट्रोफिक है है वो भी हम कंसीडर करेंगे तीसरी चीज क्या सेल यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है उसकी बॉडी कैसी है उसका थैलस कैसा है बॉडी केस ऑफ एनिमल्स और थैलस मतलब प्लांट में ना थैलस होता है जब हम थैलोफाइटा पढ़ेंगे मतलब प्लांट किंगडम पढ़ेंगे तब तो हम देखेंगे कि मतलब बॉडी कैसी है बॉडी यूनिसेलुलर है और मल्टी सेलुलर है हाँ बेटा प्लांट इज ऑटोट्रॉफिक ना मेरे बच्चे देन रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं वॉट इज मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है ना फाइलोजेनेटिक रिलेशन एवोल्यूशन में रिलेशन कैसा है एवोल्यूशन में कैसा है ठीक है क्वेश्चन आया था क्वेश्चन हैज कम इन नीट बेस्ड ऑन दिस आर एच कट विट वेर द क्राइटेरिया वन सेल स्ट्रक्चर नंबर टू मोड ऑफ न्यूट्रीशन नंबर थ्री बॉडी ऑर्गेनाइजेशन फोर रिप्रोडक्शन एंड फाइव फाइलोजेटिक रिलेशनशिप यस बेटा गलत वो और कुछ लिख रहे होंगे है ना फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन ऐसा है अब बेटा ध्यान से देखना ध्यान से देखना एवोल्यूशन के बीच मोनेरा जो किंगडम है मोनेरा में क्या होता है बेटा प्रो कैरियोटिक सारे के सारे प्रो कैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स मोनेरा किंगडम में प्रो कैरियोटिक क्या होता है बेटा वॉट इज द प्रो कैरियोटिक मतलब अ सेल विच नॉट हैव वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस अ सेल विच डज नॉट हैव वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस

है ना इज गुड वन विच वन वुड यू लाइक टू हैव बुलेट और साइकिल बुलेट सी होगी सबको है ना तो ऐसा है ठीक है है ना नाउ देन <laughs> जो साइकिल बेटा उसमें सारा काम आपको करना पड़ता है यू हैव टू पुट द पेडल आपको ही ब्रेक मारना पड़ता है है ना आपको ही पीछे है <laughs> ना <laughs> पैर से रोकनी पड़ती है गाड़ी है ना <laughs> तो <laughs> बुलेट में आपको एटलीस्ट पैर नहीं, 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 नहीं खुद यू नो इट कैन वर्क ऑन इट्स ओन आई होप अंडरस्टैंडिंग प्रोकैरियोटिक इज लाइक अ ओल्ड मशीन

डिफरेंट डिफरेंट different, different काम करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट पार्ट होते हैं है ना नोकिया में एक ही कुछ पार्ट ने से एक ही फोन सारे काम करता है उसको फेंक के मार भी सकते हो है ना वो फे फोन फेंक के इट कैन बी यूज जैसा वेपन ऑल्सो तो सब कुछ का एक ही फोन कर सकता है ठीक है आई अंडरस्टैंडिंग प्रोकेरियोटिक सेल्स बेटा वॉट दीज आर दे डू नॉट हैव अ वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस

प्रोटिस्टा में ऑब्वियसली फिर क्या हुआ यू कैरियोटिकूनिसलुलर सारे के सारे यू कैरियोटिक यूनिसेलुलर्गेनिजम्स उन्होंने प्रोटिस्टा में डाल दिए जैसे कि अमीबा हो गया है ना अमीबा हो गया क्लोरेला में बता रहा था क्लेमाडोमोनास बता रहा था वो सारे किस में आ गए प्रोटिस्टा में देखो ध्यान से देखो बेटा मोनेरा में प्रोकैरियोटिक कैरियोटिक यूनिसेलुलर फिर यूनिसेलुलर तो है ही बट अब यूकैरियोटिक प्रोटिस्टा में सारे यूनिसेलर यूकैरियोटिक आ गए ठीक है फिर फंगई में देखो फंगई प्लांट और एनिमल सब मल्टी हैं है और इनका यूकैरियोटिक है बट सारे मल्टी है सारे मल्टी यूकेरियोटिक मल्टी यूकेरियोटिक बट मोड ऑफ न्यूट्रिशन तीनों का अलग है फंगई का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है सैप्रोफाइटिक प्लांट का ऑटोट्रॉफिक एनिमल का हेटेरोट्रॉफिक समझ रहे हो डिफरेंस इस तरह से आपको करना है देखो ध्यान से अंडरस्टैंड करो मोनेरा में वॉट डेड ही पुट ऑल द प्रोरियोटिक यूनिसेज प्रोटेस्टा में यूरियोटिकलर फिर एनिमलर सेल्स बट देर मोड ऑफ न्यूट्रिशन डिफरेंट फंगाई सैप्रोफाइटिक प्लांट ऑटोट्रॉफिक एनिमल हेट्रोट्रॉफिक देर इज अलूलर फंगाई दट इज यूस्ट यूस्ट इज अलर फंगाई ठीक है वेरी गुड

ठीक है खत्म बात और ब्लू ग्रीन एलगे ठीक है अमीबा प्लास्मोडियम पैरामीशियम ये सब क्या है ये सब प्रोटिस्टा है इनके पास न्यूक्लियस होता है और दे हाँ वेल फंक्शनिंग सेल्स ओके परफेक्ट आगे चलो लाइफ में थोड़ा आगे चलते हैं है ना फिर एक आया भैया थ्री डोमेन सिस्टम भी था ऐसा कहता है कि एक थ्री डोमेन सिस्टम भी था थ्री डोमेन सिस्टम इसमें क्या था बेटा इन्होंने क्या करा बैक्टीरिया को ना दो तरह के बैक्टीरिया एक नॉर्मल बैक्टीरिया एक होता है बैक्टीरिया और बाकी के सारे को साथ में था अगर आ गया तो में क्या कर उन्होंने जो मोनेरा है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया अब इनमें क्या फर्क है बेटा देखो जो आरके बैक्टीरिया है हार्श एनवायरमेंट हार्श एनवायरमेंट मतलब वॉलकैनो में सॉल्टी एरिया में सॉल्ट वाले यू you नो know, में या फिर यू नो कोल्ड वाटर में ऐसी सी जगह पे पाए पर आर के बैक्टीरिया जो नॉर्मल बैक्टीरिया है ये सॉइल में पाए जाते हैं है है ना ना नॉर्मल में पाए जा रहे हैं दे आर फाउंड इन द वाटर ऐसे मतलब नॉर्मली अवेलेबल होते हैं आर के बैक्टीरिया अवेलेबल इन द दार्श एरिया मार्शी लैंड वहां वहां लाइक जहां दुनिया नहीं जा सकती वहां पर आर के बैक्टीरिया होते हैं ठीक है

बैक्टीरिया का सेल वॉल होता है मेडअप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन ध्यान से देखना दे हैव अ क्योंकि सेल वॉल पे क्वेश्चन आता है ठीक है देन न्यूक्लियर एनवेलप एबसेंट इनका न्यूक्लियस का एनवेलप नहीं होता दे डू नॉट हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर दे आर सेलुलर मतलब यूनी है ये टिश्यू नहीं होता इनमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन इट कैन बी ऑटोट्रॉफिक और हेटेट्रॉफिक ऑटोट्रॉफिक मतलब जब ये ब्लू ग्रीन एलगे है तभी ऑटोट्रॉफिक होता है या फिर ये क्या है इट इज सैप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक पैरासाइट मतलब जब हमारी बॉडी में आ जाता है तो क्या होता है हमारा खून चूस लेता है है ना मतलब इट सक्स न्यूट्रीशन आउट ऑफ आस एंड इट इज फाउंड इन द डेड और डीकेंग सैप्रोफाइटिक क्या होता है फाउंड इन द डेड और डीकेंग मैटर फाउंड इन द डेड ऑफ डीके अच्छा बेटा वेरी स्लोली नेक्स्ट वन किंगडम प्रोटेस्टा प्रोटेस्टा आई टोल्ड यू अमीबा है यूनिसेलर ऑर्गेनिजम पैरामीशियम यूगलेनालर ऑर्गेनिज्म यू कैरी ऑर्ड्स Cell wall present in some might not be present in some nuclear envelope. Present, they have a nuclear envelope. They are again unicellular, they can be autotrophic and heterotrophic. I told you, now there are some cells which have chlorophyll in them. There are some cells which have chlorophyll in them. Hai na? There are some cells which have chlorophyll in them, that is why they can do photosynthesis. Let me tell you about evolution. देखो मोनेरा जो है ना मोनेरा से प्रोटेस्टा निकला देखो पहले सेल्स प्रो कैरियोटिक हुआ करते थे फिर यू कैरियोटिक सेल्स आए फिर प्रोटिस्टा से फंगाई प्लांट और एनिमल निकले फ्रॉम मोनेरा प्रोटिस्टा इवॉल्ड फ्रॉम प्रोटेस्टा फंगईवॉल्व प्लांट एंड एनिमल इवॉल्व यू नो वॉट

सेम यूग्लेना और क्लमेडोमोनास ऑल दीज आर क्लोरेला ऑल दीज आर लाइक प्लांट सेल्स ठीक है दिस इज हाउ दे हैव है एग्जैक्टली यू कैन से दे कैन बी कनेक्टिंग लिंक्स यू यू कैन से दैट है ना बट यार आगे चलो नाउ देन किंगडम फंगाई में अगेन यू कैन सेल वॉल इज मेड अप ऑफ हाइटेन देखो मेडअप फंगाई में सेल वॉल्व होता है तभी फंगाई वॉज अर्लियर प्लेस्ड अंडर प्लांट किंगडम फंगाई वॉज अंडर प्लांट किंगडम अर्ली क्योंकि उसके पास भी सेलबॉल होता है बट फंगाई का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है सैप्रोफाइटिक फंगाई का मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है सैप्रोफाइटिक पैरासाइटिक ठीक है न्यूक्लियरप होता है इट इज मल्टी सेल्युलर फंगाइज मल्टी सेल्युलर एक्सेप्ट जो ईस्ट होता है इट्स ए यूनिसेलुलर फंगाई यस yes गाइस समझ आ रहा है अब बच्चे कहेंगे सर हम इतना सारा याद कैसे करें बेटा कुछ याद नहीं करना देखो पांच किंगडम मैंने बताए हैं बस पांच किंगडम बताए हैं पांच किंगडम में क्या था मोनेरा प्रोटिस्ट ऑफ या मोनेरा प्रोटेस्ट ऑफ फंगई प्लांट एनिमल या मोनेरा क्या यूनिसेलर प्रोकैरियोट यूनिसेलर यूकैरियोट कैरियट मल्टीसेलर यू कैरियट मल्टीसेलर मल्टीसेलर यू देन ये क्या है फंगई प्लांट एनिमल में फंगई न्यूट्रिशन क्या है प्लांट ऑटोट्रोफिक एनिमल हेटोट्रॉफिक बस ये ये पांच चीजें याद कर लो बाकी जिंदगी तुम्हारी सफल है ठीक है प्लांट किंगडम पता ही है यूकेटिक सेल है सेल वॉल ऑफ प्रेजेंट है टिश्यू एंड ऑर्गन है टिश्यूज देखो बेटा प्लांट और एनिमल्स में यू स्टार्ट सीइंग टिश्यूज एंड ऑर्गन न्यूट्रिशन इज ऑटोट्रॉफिक कुछ नहीं है ये पूरा चैप्टर ऐसी होक्स है देयर इज नथिंग बिग इन दिस चैप्टर

उनको हम कह सकते हैं कि मतलब दे आर हेल्पफुल इन यू नो रिसाइकलिंग द डेड एनिमल वेस्ट मतलब वल्चर्स हो हो गए हो गए अर्थवम ये सब एनिमल किंगडम का पार्ट है बट दे हेल्प इन देस वॉट डेड और डिकिंग मैटर गाइस देखो ये बहुत ही इजी सा ये है टेबल इट इज हेल्पफुल इन आंसरिंग ठीक है मोनेरा देखो सेल क्या है प्रोकैरियोटिक नॉन सेलोलोसिक सेल वॉल मतलब

परफेक्ट बेटा थोड़ा सा चीजें ध्यान देखते हैं देखो अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम इंक्लूडेड बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एलगे फंगाई मोसिसम एंड एंडम प्लांट मतलब जो पहले के क्लासिफिकेशन सिस्टम थे उन्होंने क्या करा उन्होंने बैक्टीरिया फंगाई सबको एक ही प्लांट किंगडम में डाल दिया था बेटा बस क्या कॉमन कैरेक्टर था इनके पास बस सेल वॉल था मतलब इन सबके पास सेल वॉल था इसलिए सबको प्लांट किंगडम में डाल दिया क्या ये सही बात है नहीं ये तो गलत बात है है ना क्योंकि बैक्टीरिया के पास न्यूक्लियर एनवेलप नहीं है है ना उनका सेल वॉल अलग अलग मेटीरियल का बना हुआ है तो दैट वॉज अ रॉन्ग क्लासिफिकेशन सिस्टम है ना दैट वॉज अ रॉन्ग क्लासिफिकेशन सिस्टम देन नाउ दिस प्लेस टूगेदर ग्रुप वेर वाइडली डिफर्ड इन अदर कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब ये जो सारे ऑर्गेनिज्म दूसरी चीजों में डिफरेंट थे फॉर एग्जाम्पल इट ब्रॉट टूगेदर प्रो कैजोटिक्लू ग्रीन एलगी विथ अदर ग्रुप विच वेर यू कैजोटिक मतलब इस सिस्टम ने प्रो कैजोटिक ऑर्गेनिज्मिक को साथ में लगा दिया था विच इज वॉस रॉन्ग दिन इट ग्रुप टूगेदर यूनिसेलर एंड मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म मतलब

सेल वॉल इनके सेल वॉल भी डिफरेंट चीजों के बने हुए थे है ना मतलब कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी चीजों को इग्नोर करा था पहले वाले क्लासिफिकेशन सिस्टम में तो विटेकर अंकल ने बहुत बढ़िया काम करा है विटेकर अंकल ने सारी चीजें आइडेंटिफाई करी और उन्होंने क्लासिफिकेशन सिस्टम को बहुत बढ़िया बना दिया ठीक है वेरी गुड है ना यस वेन सच वेर कैरेक्टर इज वेर प्लेस इन सेपरेट किंगडम दैट इज किंगडम फंगा को को सारे किंगडम को, में डाल दिया unicellular eukaryotic को Protista kingdom में डाल दिया ये हमने पढ़ लिया, ठीक है? Protista में क्या करा बेटा? इस kingdom से क्या हुआ, ठीक है जो chlorella, ये क्या है? ये यूनिसेलुलर प्लांट है वेयर प्लेस टुगेदर विद पैरामीशियम एंड अमीबा मतलब ये जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन है इसकी वजह से क्लामायडोमोनास क्लोरेला है ना यस yes, जो कि पहले एलगे या प्लांट प्लांट किंगडम में थे वो अब पैरामीशियम और अमीबा के साथ एक ग्रुप में आ चुके हैं समझ रहे हो मतलब देखो और क्लोरेला जो कि सेक्शन सी में थे और पैरामीशियम और अमीबा जो कि सेक्शन बी में थे दोनों को लाके उसने सेक्शन ए में खड़ा कर दिया <laughs> कहने का मतलब ये मैडम मिल जाएगा मेरे बच्चे जगदीश सागर सब मिल जाएगा जगदीश ओजन आर यूर अंडरस्टैंडिंग ट्राइंग टू से

बेटा नाउ दिस द फ्यूचर ऑल्सो मतलब अब आप लोग scientists बनोगे, आप बड़े हो आप scientists बनोगे, तो आप क्या करोगे आप और चीजों को identify करोगे एंड यू चेंज द क्राइटेरिया एंड देर विल बी मोर डिजन देर मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ये टाइम क्लासिफिकेशन सिस्टम द मॉर्फोलॉजी फिजियोलॉजी एंड रिप्रोडक्टिव सिमिलाइटिस बट ऑल्सो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप मतलब अभी भी क्लासिफिकेशन सिस्टम पे काम चलता जाता है ठीक है एंड क्लासिफिकेशन सिस्टम ठीक है ग्रेट जॉब अ होमवर्क फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम सजेस्टेड बाई आर एच विटेकर इज नॉट बेस्ड ऑन प्रेजेंस ऑफ एबसेंस ऑफ डिफाइंड न्यूक्लियस मोड ऑफ न्यूट्रिशन शन मोड ऑफ न्यूट्रिशन और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यस चलो लेट मी शेयर मेंटी विद यू फिर मेंटी करते हैं जल्दी से कमन गायज द मेंटी फॉर यू Join. This is a code, guys. Menti code 93836197. Go to www.menti.com. Guys, hardly one or two question will come from this in neat, okay? Hardly one or two questions. तो इसको कर लेना नॉर्मल तरीके से ज्यादा यस कम ऑन एवरी वन गो टू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट मेंटी डॉट कॉम एंड पुट द कोड बेटा आप सुनिधि पूछे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी लिखा था बट नॉट इंक्लूडेड ड्यूरिंग डिफरशिंग बेटा देखो उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी ना उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन तक जाने की क्योंकि बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे ही हमने पूरा पांच किंगडम बना दिया है ना वहां तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी हमें यस ये था फर्स्ट क्वेश्चन गाइस कम ऑन ब्लू ग्रीन एल्गी आर इंक्लूडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ब्रायोफाइट, प्रोकैरियोट्स, प्रोटेस्टा फंगा है बेटा ब्लू ग्रीन एलगे आर प्रो कैरियोट्स ना प्रोटेस्टा में क्या होता yes, है प्रोटेस्टा में इट ऑर्गेनिजम ब्लू ग्रीन एलगे मैंने बताया था ना दे आर मोनेरा ब्लू ग्रीन एलगे आर प्रो कैरियोटिक नॉट यू यस दे शुड बी कमिंग अंडर मोनेरा किंगडम नॉट प्रोटेस्टा प्रोटेस्टा में क्या सारे यू कैरियोटिक किड़े बड़ा लकी हार्डी शांडू हाईफाई बेटा डॉक्टर आशय सिया ज्योसना स्नेहा सौम्या केजीएफ सौम्या तेजस्वि ग्रेट जो बड़ा है जो नेक्स्ट क्वेश्चन इन फाइव किंगडम सिस्टम द मेन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज इन फाइव किंगडम द मेन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन मोड ऑफ न्यूट्रिशन स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन In 5 Kingdom classification, the main basis of classification is. Come on, everyone. Yes, everyone, like the video and subscribe to the channel if you have not done it yet. We will be completing the entire class 11th.

Angiosperms are flowering plants. We will talk about them. प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम तो मैं ऐसा पढ़ाता हूँ ना मतलब आप लोग कहोगे वाह सर क्या पढ़ाया है मतलब आपको मजा आ जाएगा इन द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन Chlamydomonas एंड क्लोरेला हैव बीन इंक्लूडेड इन Chlamydomonas और क्लोरेला को कहाँ पे इंक्लूड करा था मेंस में आया था 2012 में आया था एग्जाम में प्रोटिस्टा में एल्गे में प्लांटे में मोनेरा में कम गाइस <laughs> Come on everyone. Exactly guys, The answer is Protista. The Five kingdom classification, Chlamydomonas and Chlorella have been included in kingdom Protista. अरे बट अपने देखा था Chlamydomonas, Chlorella को Paramecium और Amoeba के साथ में join कर दिया था. Section A, B, A, B के बच्चों को section C में डाल दिया है साथ में उठा के. Great वाला Cia, Tejaswa, Tanya. शिया, तान्या, सौम्या सौम्या माय oh गॉड सौम्या बेटा तुम दो दो से खेल रहे हो क्या एल्सा, स्नेहा एंड ग्रेट जॉब नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सजेस्टेड बाय आर एच विटेकर इज नॉट बेस्ड ऑन प्रेजेंस ऑफ एबसेंस ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ूट्रिशन कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यस किस चीज के बेसिस पे नहीं है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम बाई आर एच विर इज नॉट बेस्ड ऑन वॉट प्रेजेंस और एबसेंस ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मोड ऑफ न्यूट्रिशन मोड ऑफ रिपोडक्शन और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेजेशन नहीं बेटा आंसर इज प्रेजेंस एब्सेंसाइंड न्यूक्लियस देखो प्रेजेंस और इट इज मेनलील स्ट्रक्चर पे था एक्चुअली इट इज प्रेजेंसर एबाइंड न्यूक्लियस था इसका आंसर है ना? आई गेस मैंने इसे सही करा था सिया तान्या खंडेलवाल तान्या खंडेलवाल सिया सौम्या एल्सा तेजस्वाल स्नेहा के मैन ऑफ स्टील सिया एंड आशय नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन एंड एंड सेलुलर फोटोसिंथेटिक एंड ग्रीन एलगी एंड नॉन फोटो सिंथेटिक फंगाइन ऑल ऑफ जो टू किंगडम सिस्टम है उसने क्या चीजों को कंसिडर नहीं करा यस याइज टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन डिड नॉट कंसिडर वॉट

I guess sixth question. In Whittaker's five kingdom classification, eukaryotes were assigned to all the five kingdoms, only four of the five kingdoms, only three kingdoms, or only one kingdom. In Whittaker's five kingdom classification, eukaryotes were assigned to.

limitations of three kingdom classification system is what is the limitation of three kingdom classification no separation of prokaryotic and eukaryotes no separation between photosynthetic and non-photosynthetic both unicellular and multicellular organisms were classified under protista hmm. three kingdom classification cones are protista plant and animal kingdom hana protista kingdom plant and animal kingdom एग्जैक्टली गाइज द आंसर इज यस बोथ वन एंडी उनमें क्या है उन्होंने प्रो कैरियोटिक और यू कैरियोटिक को सेपरेट नहीं करा ना ही यस ना ही यूनिसेज आर क्लासिफाइड अंडर प्रोटेक्स मतलब देखो यस गाइव परफेक्ट ओ ग्रेट जॉब बेटा एल्सा क्लैप्स फॉर एल्सा गाइस एवरीवन ग्रेट जॉब गाइस क्लैप्स फॉर एल्सा एवरीवन है ना ग्रेट जॉब ग्रेट जॉब गाइस डिड यू लाइक स्टडिंग ओवर हियर एट तू मजा आया कि आज आपको पढ़ के यस अगर गाइज आपको पढ़ के मजा आया वेदांतु के प्लेटफॉर्म पे 10 टाइम्स बेटर क्लासेस मतलब जो जितना भी आप यहाँ पे पढ़ रहे हो ना इसके 10 टाइम्स क्लासेस बेटर क्लासेस बेटर एंगेजिंग क्लासेस स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में क्लासेस है ना क्लासेस के साथ नोट्स डाउट्स एंड यस गाइज क्या कहते हैं बुक्स डाउट्स नोट्स बुक्स एंड और क्या था मैं एक चीज बहुत अच्छी चीज बनाना जाता हूँ भूल गया ठीक है तो गाइज यू कैन ज्वाइन वेदांतु का लॉन्ग टर्म बैचेस

सीबीएसई बैच नंबर टू इज नीट बैच सीबीएसई बैच इज फॉर स्टूडेंट जिनको लगता है उनको बेसिक करने चाहिए पहले फिर हाई लेवल पढ़ेंगे और जिनको लगता है उनका है उनका बेसिक और उनको बस हाई लेवल पढ़ना है तो गाइस यू कैन फॉर द नीट बैच देर आर टू ऑप्शन नीट बैच जिनके बेसिक्स ऑलरेडी है सीबीएसई बैच जिनके बेसिक्स थोड़े से वीक है एंड दे दे फील की शुड फोकस ऑन द बेसिक्स है ना बेटा तो यस यू कैन एनरोल ओवर हियर

क्लासिक में यू गेट एडिशनल फीचर ऑफ डाउट एप हाउ इज डाउट एप डिफरेंट देन द इन क्लास डाउट सॉल्विंग डाउट एप में यू कैन आस्क डाउट इवन आफ्टर द क्लास मतलब आपको कभी भी कोई भी कोई डाउट आता है यू कैन पुट इट इन टू द डाउट ऐप मतलब दोपहर को आप पढ़ रहे हो फिजिक्स में कोई डाउट आया उसका फोटो खींचा और इसमें डाल दिया है ना यू विल गेट ए इंस्टेंट रिप्लाई देन प्लस में क्या होता है गाइस प्लस में यू गेट एक्स्ट्रा बेनिफिट ऑफ अ

द टीचर्स हुर गोइंग टू टीच यू है वसीम सर इज देर सौरभ सर इज देर मोहित सर इज देयर थोड़ा और नीचे होगा यू कैन सी द टाइम टेबल ऑल्सो है ना एंड गाइस इफ यू सी द रिजल्ट ठीक है जेई में रिजल्ट नीट में रिजल्ट इंटरने इंडियन ओलम्पियाड में रिजल्ट दिस इज ई एडवांस रिजल्ट वी हैव नीट रिजल्ट है ना वी हैव प्रोड्यूस सो मेनी नीट रिजल्ट ट्वेल्थ बोर्ड रिजल्ट ट्वेल्थ और टेंथ बोर्ड ऑल्सो यस स yes. है ना परफेक्ट तो वेन यू गाइज कम ओवर हियर यू कैन टेक अप अ वन ईयर कोर्स और यू कैन टेकअप यू कैन ट्राई फॉर वन मंथ अगर आपने मान लो आपको भरोसा नहीं होता यू आर लाइक सर आई डोंक दिस आई एम नॉट श्योर मैं इतना सारा इन्वेस्ट करना चाहता हूं नहीं गाइज ट्राई फॉर वन मंथ बट एक्चुअली होता क्या वैन यू टेक अपर्स फॉर वन ईयर कंप्लीट कोर्स इसमें क्या होता है इसमें यू गेट विधानूवमेंट प्रोमिस जिसका मैं स्टार्टिंग में बताया था उ इंप्रूवमेंट प्रॉमिस क्या था कि यस इफ योर स्कोर डज नॉट इंप्रूव वी विल रिटर्न बैक योर फीस है ना दैट इज वन थिंग सेकेंड थिंग यू गेट तत्वा बुक्स थर्ड थिंग यू गेट यस गाइज द फीस इज वेरी लेस इफ यू टेक अ वन ईयर कोर्स द फीस इज लेस एंड यू नी नॉट पे द एंटायर अमाउंट एट वन गो है ना यू जस्ट है ई एम आई ई एम आई के बेसिस पर कितना कॉस्ट हो जाता है द कॉस्ट कम्स आउट टू बी वेरी लेस एम के बेसिस पे बेटा था कॉस्ट कम्स आउट टू बी थ्री थाउजेंड और टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड फिफ्टी पर मंथ दिस मच विल बी डिडक्टेड फ्रॉम योर अकाउंट एवरी मंथ लाइक दैट मतलब आप पे हर महीने का ही कर रहे हो ठीक है अब जब ट्राई कर रहे हो एक महीने का तब भी आप एक महीने कर रहे हो बट उस वक्तेंड थ्री थाउजेंड वन हंड्रेड फिफ्टी पे कर रहे हो बट हियर वेन इन एंगेज इन ई एम आई वाला ऑप्शन हियर ऑल्सो यू आर पेइंग पर मंथ

यस तो ऑन दैट नोट गाइज आई विल टेक अ लीव डू ज्वाइन एन इफ यू फील कि आपको एक्स्ट्रा हेल्प की जरूरत है ना बेटा डेफिनेटली देखो यूट्यूब पे पढ़ाई होती है बट डेफिनेटली अगर आप थोड़ा प्रीमियम प्राइस पे करते हो तो यू विल डेफिनेटली गेट एक्से मोर एडवांस फीचर्स ऑफ विदांतू है ना एंड यू आर ऑफ गेटिंग इन टू अज और गेटिंग सेलेक्टेड इन टू अट और यू नो एनी एग्जाम विच यू आर एस्पायरिंग विल बी इंक्रीजिंग मैनी फोर्थ

So, do not forget to like the video and subscribe to the channel, guys. Subscribe to Vedantun NCRT 11th and 12th. We will be covering the entire class 11th and 12th syllabus over here. Okay. So, bye bye. Have a great day. I'll see you in the next video. Bye bye.